नमस्कार, मैं माही पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नज़र। लाखनी तालुका के छात्रों को रोजगार मुख शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न उद्योग के लिए कौशल शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विद्यापीठ उपयोगी होगा। नए साल में नए उत्साह के साथ भंडारा और गोंदिया जिले के संपूर्ण विकास के लिए संकल्प लिया गया है और इस दिशा में विकास संबंधी छात्रों और नागरिकों उसी प्रकार वरिष्ठ विचारों से विकास संबंधी विचार करने की अपील नाना पटोले ने की है। जिला परिषद गांधी विद्यालय जूनियर कॉलेज लाखनी के उद्घाटन समारोह में वे बोल रहे थे। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है और एक नई शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्र में पेश करने की आवश्यकता है। नाना पटोले ने आश्वासन दिया कि लाखनी नगर पंचायत अगले वित्तीय वर्ष में एक नया भवन तैयार करेगी और लाखों व्यापारियों को बेहतर बाजार प्रदान करने के लिए नगर विकास विभाग की ओर से निर्धारित समय में काम पूरा करेगी। इस समय जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिला बैंक उपाध्यक्ष सदाशिव बलधरे, पंचायत समिति सभापति खुशाल गिदमारे, तहसील मल्लिक वीरानी, खंड विकास अधिकारी धीरज पाटिल, जिला परिषद अध्यक्ष आकाश कोरे, ज्ञानेश्वर रहांगडाले, नगराध्यक्ष ज्योति लिखाड़े, मुड़वाड़ी सरपंच सुनीता भालेराव उसी प्रकार अन्य कई उपस्थित थे। राष्ट्रीय शिक्षा विकास योजना और जिला परिषद विशेष योगदान निधि के माध्यम से लगभग 2,40,000 रुपए लागत के निर्मित एवं भवन का उद्घाटन नाना पटोले ने किया। इस कार्यक्रम की प्रास्ताविका प्राचार्य डीटी देवघरे ने किया तो संचालन आभार प्राध्यापक वैद्य ने किया। इस समय बड़ी संख्या में छात्रों के माता पिता और नागरिक उपस्थित थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।